A very happy good morning everyone. I hope you all are doing great. और आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही amazing workout जिसका नाम है wall sit. And as the name suggests, ये है एक workout जो हम wall के साथ करने वाले हैं. तो let's get started. तो आइए समझते हैं movement of wall sit. And as the name suggests, wall sit is sitting with the support of the wall. और वो सभी लोग जिनको squats करने में मुश्किल होती है और आज तक they are not able to get to the right format of squatting, wall sit is a great way to begin. So आज हम start करने वाले हैं wall sit से. तो हमारा format वही रहेगा, athletic, आपके feet, आपके hips, आपके shoulders, आप इनको aligned रखेंगे. चाहे आप बैठेंगे भी तब भी आपके shoulders aligned ही रहेंगे. Now the idea is that you are sitting with your back on the wall. अब इसमें बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो वॉल को छोड़ देते हैं, सिर्फ हिप्स की सपोर्ट लगाते हैं, मतलब अपनी स्पाइन में आर्च कर देते हैं. आपको क्या करना है कि अपनी कोर को एंगेज करके रखना है. आपकी रीढ़ की हड्डी की एक एक वर्टीब्रे आपकी वॉल पे ही रहनी चाहिए. दैट्स द करेक्ट वे ऑफ डूइंग अ वॉल सिट. एंड अगैन, आपके जो नीज हैं वो आगे की तरफ पुश नहीं होंगे, अलाइन रहेंगे आपके एंकल्स पे. एंड इनफैक्ट नीज आपके सॉफ्ट रहेंगे. इन सभी मूवमेंट्स में आपके मसल पे एक्शन रहता है, आपके जॉइंट्स हमेशा नाइस एंड सॉफ्ट रहते हैं. तो आप वॉल से कितना दूर होंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी मसल, ये पूरे के पूरे क्वाड की लेंथ कितनी है, बिकॉज हम उसको परपेंडिकुलर ही रखेंगे. यहाँ से बैठ के देखेंगे कि आप कहाँ तक परपेंडिकुलर रह सकते हैं और फिर नीचे आएंगे पूरा. फ्रॉम द हील टू द नी, फ्रॉम द नी टू द हिप, परपेंडिकुलर टू द वॉल, कोर को एंगेज करते हुए पूरी की पूरी स्पाइन हमारी वॉल के साथ रहेगी. अपने हाथों को खोल भी सकते हैं अच्छे से, या अपने हाथों को अपने नीज पे भी रख सकते हैं. इनफैक्ट जब आप नीज पे रखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं. तो कोशिश कीजिएगा कि हाथों को ऊपर की तरफ खींच के रखेंगे. अगेन, फुल बॉडी स्ट्रेंथ वर्कआउट. आपके काफ्स में भी बहुत अच्छा प्रेशर आ रहा है, क्वाड्स पे भी, हैमस्ट्रिंग्स पे भी, कोर पे भी. इनफैक्ट इस तरह से जैसे आपने हाथों को खोला है तो आपके शोल्डर्स के लिए भी बहुत इफेक्टिव है, आपके पोस्चर करेक्शन के लिए बहुत अमेजिंग मूव है. सो वो सभी लोग जो आगे की तरफ झुक जाते हैं अपने लैपटॉप्स पे या स्क्रीन्स पे, इस तरह की मूव से यू कैन अंडरस्टैंड कि आपका पोस्चर होना कैसे चाहिए. स्टार्ट करेंगे 30 सेकेंड से. 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड कीजिए. धीरे धीरे अपने स्ट्रेंथ और स्टेमिना के अराउंड मूव करते हुए 1 मिनट, 1.5, 2 मिनट्स तक भी लेकर जा सकते हैं. और धीरे से जब आपको इस मूवमेंट से बाहर आना है, जंप करके नहीं आना है, जिस तरह से आए थे उसी तरह से हाथों का सपोर्ट लेते हुए वापस आ जाएंगे. अब ये जो वॉल सिट है ये खुद ही एक बहुत ही मॉडिफाइड वर्जन है, लेकिन फिर भी अगर आपको वॉल सिट का एक मॉडिफाइड वर्जन चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप जो आपके पंजे हैं ना उनको थोड़ा सा पास रखेंगे और हिप्स के साथ पीछे की तरफ जाके थोड़ी मूवमेंट करेंगे ऊपर और नीचे की, जिससे आपकी जो हैमस्ट्रिंग्स है अगर ये टाइट हैं तो थोड़ी सी रिलीज हो जाती है. तो सिर्फ आप नीचे जाएंगे वापस ऊपर आएंगे, नीचे जाएंगे वापस ऊपर आएंगे, नीचे जाएंगे वापस ऊपर आएंगे. जब आप इस मूवमेंट को कर रहे हैं मेक श्योर कि जो आपकी कमर है वो स्ट्रेट लाइन में अलाइंड है, कोर टाइट है, काव्स में, हैमस्ट्रिंग्स में, हर जगह आप इसकी स्ट्रेच फील करेंगे. वापस ऊपर आएंगे, नीचे जाएंगे, वापस ऊपर आएंगे. कुछ दिन तक इसको करके देखिए, उसके बाद फिर जब आप नीचे जाएंगे यू विल फील कि आपके मसल्स सडनली ये सारा का सारा प्रेशर ले पा रहे हैं ईजिली. एंड अगैन, आपको ज़रूरी नहीं है कि एकदम से 30 सेकेंड से स्टार्ट करना है, 5-10 सेकेंड से स्टार्ट कीजिए. कोर को खींच के रखिएगा, ये एक बेसिक टिप है. अगर ये खींचा हुआ अंदर की तरफ स्क्वीज नहीं है तो इस तरह से होल्ड करना बहुत मुश्किल हो सकता है. एंड यस, ट्राई टू सी आप इसको कितना लंबा होल्ड कर सकते हैं एंड चैलेंज योर सेल्फ एवरी डे. मतलब अगर किसी दिन आपने 30 सेकेंड होल्ड किया है, मे बी आफ्टर अ वीक 1 मिनट, एंड देन आफ्टर अनदर वीक 1 मिनट 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, और इस तरह से अपनी स्ट्रेंथ और अपनी एंड्योरेंस का इम्प्रूव करेंगे. तो कैसा लगा आपको हमारा ये अमेजिंग वर्कआउट, जिसके लिए आपको कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, इनफैक्ट सिर्फ एक वॉल चाहिए, और आप इसकी प्रैक्टिस डेली कर सकते हैं और अपनी पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं. सो कीप रॉकिंग एवरीवन.